मोबाइल, मूवी और गेम्स एडिक्शन के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे बच्चे अभी हमारे पास में लाते हैं जिनको मोबाइल के गेम्स का या मूवीज़ का एडिक्शन हुआ है। अभी तो नेटफ्लिक्स में फ्री में मूवीज़ देखने को मिलती है, तो वो फ्री मूवीज़ है, वेब सीरीज़ में भी देखने को मिलती है। 7 से 8 घंटे वो लड़का जो मेरे पास में आया था वो फ्री में मूवी देख रहा था मोबाइल के ऊपर, और उसको एडिक्शन हो गया था मूवी देखने का। मतलब आप पिक्चर में जाएंगे तो जाने आने का टाइम लगेगा, वहाँ पिक्चर मतलब मूवी का टिकट निकालना पड़ेगा, वहाँ नाश्ता पानी होता, ये सब खर्चे भी बच जाते, टाइम बच जाता, और घर में बैठे बैठे लगे उतने मूवीज़ फ्री में आप देख लो। 7 से 8 घंटे तक वो पिक्चर देख रहा था, मूवीज़ देख रहा था, और उसका इतना एडिक्शन हो गया कि उसको रोक दिया तो वो वायलेंट हो रहा था, इसलिए उसको मेरे पास में लाना पड़ा। दूसरा एक लड़का था जिसको एडिक्शन हुआ, वो पबजी गेम का एडिक्शन हुआ। आपको तो पता ही है पबजी के बारे में, मैंने पहले भी कहा था कि पबजी ये जो गेम है उसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसमें वो आप जब ज्वाइन करते हैं तो 100 लोग एक साथ वो गेम खेलने के लिए आपको ज्वाइन कर लेते हैं, और मार धाड़ का शस्त्र का गेम है कि जिसके ऊपर एक दूसरे को मारने का है, और जो बच जाएगा आखिर वो विजेता हो जाता है। 30 से 40 मिनट 45 मिनट तक ये गेम चलता है और उसका एडिक्शन लोगों को हो रहा है। अब इसे होता क्या है कि इससे मतलब एक तो मूवी देखो या गेम्स खेलो, यूट्यूब के ऊपर पिक्चर देखो या पॉर्न देखो, तो इसमें होता क्या है कि एक तो सरदर्द होना, उसके लिए हमारे पास बच्चे लाए जाते हैं, टेंशन हेडेक्स है, टेंशन लोगों के दिमाग में बहुत सारा तनाव आ रहा है, फिर नींद के प्रॉब्लम आते हैं, रात को नींद लेते नहीं बच्चे, फिर दिन में उनको नींद आती है, फिर कानों के पर्दे जो है उसके ऊपर उसका असर होता है, आलसीपना आता है, फिर हालचाल जो है वो कम हो जाती है, गति कम हो जाती है हलचल की, मतलब हिलना डुलना बहुत कम हो जाता है, एक जगह बैठे और देखते रहो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, उसका असर पढ़ाई में बच्चों के हो जाता है। फिर लोग व्हीकल चलाने के समय मोबाइल सुनते रहते हैं तो उसमें फिर एक्सीडेंट होते हैं। पबजी खेलने नहीं दिया तो वो लड़का जो लाया था उसको वो आक्रामक होकर वायलेंट होकर माँ बाप को मारने पीटना चालू कर देता था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता था, उसकी नींद खराब हो गई, खाना नहीं खाता था, चिड़चिड़ापना, तो उसको बोलते भाई तू ले ले और खेलते जा, मतलब यहाँ तक वो गया हुआ है एडिक्शन। तो ये ऐसा है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब और बाकी गांजा, भांग, अफू, ये जो अलग 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 व्यसन है, वैसे ये मोबाइल का व्यसन अभी लोगों को हो रहा है। पॉन एडिक्शन के कितने लोग आते हैं, ये मोबाइल के गेम के एडिक्शन के लोग हैं। मोबाइल का जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो सिर्फ है कम्युनिकेशन के लिए, अब वो कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल चालू हो गया, और वहाँ से अभी मोबाइल में पूरी ज़िंदगी अभी आ गई है। मोबाइल में फाइनेंस भी हो जाता है, मोबाइल में टाइम भी होता है, मोबाइल में कैलेंडर भी है, मोबाइल में गूगल मैप भी, आपको मोबाइल के क्लिक के ऊपर सभी उपलब्ध है, इसलिए मोबाइल आज की ज़रूरत की चीज़ है। मगर उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका जो इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो पालक वर्ग जो है, माँ बाप ने पहले ख्याल देना चाहिए और बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि बार बार कोई चीज़ होती रहती है तो वो एडिक्शन हो जाता है, और एक बार एडिक्शन हो गया तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्पेशल सभी माँ बाप को ये वीडियो फैला दो, सबके साथ में शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मिशन जो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा, आपकी पार्टनरशिप हो जाएंगी, आप जरूर वीडियो लोगों से शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।